भारत में सिंचाई के प्रमुख साधनों की व्याख्या करें, प्रमुख साधनों की व्याख्या करें। कल मैप बना लिए थे आप लोग? है अच्छा बनाए थे, बना लेना चाहिए था ना, फिर दोबारा बनाना पड़ेगा, बना लीजिएगा अगल बगल से। लिखिए, सिंचाई से तात्पर्य, आंसर, सिंचाई से तात्पर्य वर्षा के अभाव में, वर्षा के अभाव में खेतों को कृत्रिम तरीके से जल सिंचन की एक क्रिया है, जल सिंचन की एक क्रिया है। भारत उष्णकटिबंधीय देश है, जहां कृषि मुख्यतः मानसूनी वर्षा पर निर्भर है, जो अनिश्चित एवं अनियमित है। ऐसी स्थिति में सिंचाई के कृत्रिम साधनों का महत्व काफी बढ़ जाता है। पारा चेंज, भारत में सिंचाई के मुख्यतः चार साधन विकसित किए गए हैं। जिसके द्वारा फसलों के अधीन कुल क्षेत्रफल का 33.3% सिंचाई की जाती है। परंतु इन स्रोतों का योगदान अलग अलग है। जिसे निम्न तालिका में स्पष्ट किया गया है बनाए थे तालिका? अच्छा बनाए, क्षेत्रफल
पहला साधन है कुएं एवं नलकूप, साठ प्रतिशत। दूसरा नहर 25%, तालाब 6.4%, अन्य। इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं जो बताए थे वृत्त के द्वारा, 60% कुएं एवं नलकूप, फिर आपका 25% नहर, फिर आप देखेंगे तालाब 6.4%, तालाब अन्य में हो गया 8.6%। इस तरह से भी दिखा सकते हैं। लिखिए पहला कुएं एवं नलकूप। कुएं एवं नलकूप भारत में कुएं का प्रयोग प्राचीन काल से ही होता आ रहा है, कुएं दो प्रकार के होते हैं, कच्चे कुएं और पक्के कुएं। लेकिन भारत में कच्चे कुएं की संख्या अधिक है। कारण इसे बनाने में कम खर्च आता है। कुएं के द्वारा भारत के 21% भूमि की सिंचाई होती है। इस साधन के द्वारा प्रमुख सिंचित क्षेत्र गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश है। गुजरात में 73% सिंचाई इसी साधन के द्वारा होती है। इन क्षेत्रों में कुएं के द्वारा सिंचाई करने का मुख्य कारण
निम्न है, मुख्य कारण निम्न है। पहला, कुएं की खुदाई करना आसान होता है, कुएं की खुदाई करना आसान होता है। इसमें लागत कम आता है। नेक्स्ट, इसमें लागत कम आता है। मानसून अनिश्चितता है। नेक्स्ट, मानसून अनिश्चितता है। नदियों की संख्या कम है, कम है। विशेषकर गुजरात एवं राजस्थान के लिए, बस नलकूप, दूसरा नहीं नहीं दूसरा पॉइंट बनाइए ना, क्या दिक्कत है। नलकूप, बनाइए ना, नलकूप। यह सिंचाई का नवीनतम साधन है, यह डीजल इंजन तथा बिजली की सहायता से चलाया जाता है। और पानी निकालकर खेतों तक पहुंचाया जाता है। स्वतंत्रता के समय भारत में 2500 सरकारी नलकूप था, 2500 सरकारी नलकूप था, जो वर्तमान में 2.6 करोड़ हो गया है, नलकूप में वृद्धि का प्रमुख कारण, हरित क्रांति है, साथ ही मानसून की अनिश्चितता, जल स्तर का, ऊंचा उठना, इत्यादि। पराचेंज, नलकूपों द्वारा सिंचाई मुख्यतः पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में होता है, इसके अलावा बिहार, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान में भी इस साधन द्वारा सिंचाई होता है। उत्तर प्रदेश,
पंजाब व हरियाणा में लगभग 88%, उत्तर प्रदेश पंजाब तथा हरियाणा में लगभग 88% सिंचाई इसी साधन द्वारा होता है। इस साधन द्वारा सिंचाई करने के कई लाभ है। खेतों तक पानी पहुंचाना आसान होता है। पहला, नेक्स्ट, इससे खेतों को उतनी ही जल्दी जाती है जितनी आवश्यक होती है। नेक्स्ट, इससे फसल बर्बाद नहीं होते हैं। नेक्स्ट, खर्च भी कम आता है। नेक्स्ट, एक ऑपरेटर कई नलकूपों का देखरेख कर सकता है। नेक्स्ट, इसमें कई रासायनिक खनिज पदार्थ मिले होते हैं जो फसलों के लिए लाभदायक है। नेक्स्ट, ये नहरों के पूरक के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन इसके कई अवगुण हैं। एक एक करके यह छोटे किसानों के क्रय क्षमता से बाहर है। नेक्स्ट, भूजल स्तर नीचे जाने की संभावना है। पंजाब में यह समस्या उत्पन्न हो गई है। चलिए नेक्स्ट, नहर। भारत में नलकूप जब विकल्प के रूप में नहीं था, तब नहरों द्वारा ही अधिक सिंचाई होती थी। लेकिन वर्तमान में
इसका प्रतिशत कम हो गया है, इसका प्रतिशत कम हो गया है। वर्तमान में 124 लाख हेक्टेयर, 1,24,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा रही है। एक सौ चौबीस लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो रही है। सबसे अधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में होती है। इसके बाद पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम प्रमुख है। नहरों द्वारा पराचित नहरों द्वारा इन क्षेत्रों में सिंचाई होने के कई कारण है, यथा यथा पहला, इन क्षेत्रों में सदावाहिनी नदियां प्रवाह करती है, सदावाहिनी नदियां प्रवाह करती है, जैसे गंगा, जमुना, सतलज इत्यादि। दूसरा, मिट्टी का मुलायम होना जिससे नहर निकालना आसान होता है। पराचिन, नहरों द्वारा सिंचाई के कई लाभ होते हैं। एक एक करके इसमें कई प्रकार के खनिज पदार्थ मिले होते हैं। जो फसलों के लिए लाभदायक होता है। नेक्स्ट, यह सिंचाई के लिए उत्तम सरल एवं सस्ता साधन है। अवगुण पॉइंट बनाइए। इससे जल जमाव की समस्या उत्पन्न होती है। हरित क्रांति क्षेत्र इसके प्रमाण है, नेक्स्ट, अत्यधिक सिंचाई के कारण उर्वरा शक्ति में कमी आती है
तथा लवणता में वृद्धि होती है, तथा लवणता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट, लवणता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी असंतुलन, पारिस्थितिकी असंतुलन की समस्या उत्पन्न होती है, पारिस्थितिकी असंतुलन की समस्या उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, तालाब, पारिस्थितिकी असंतुलन की समस्या उत्पन्न होती है। तालाब, तालाब के द्वारा प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई होती है, इस साधन के द्वारा भारत के 6.4% भूमि का सिंचाई होता है, 6.4% भूमि का सिंचाई होता है। तालाब दो प्रकार के होते हैं, कृत्रिम व प्राकृतिक, कृत्रिम और प्राकृतिक। कृत्रिम और प्राकृतिक भारत में इस साधन के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई तमिलनाडु 32% ब्रैकेट में, तमिलनाडु 32% ब्रैकेट में, हां ब्रैकेट में, ब्रैकेट बंद कर लीजिए, तमिलनाडु 32%, आंध्र प्रदेश 28% ब्रैकेट में होता है। इसके अलावा कर्नाटक, इसके अलावा कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में होता है। इन क्षेत्रों में तालाब से सिंचाई करने के कई कारण है। एक एक करके इन क्षेत्रों में भूमि कठोर होती है, इन क्षेत्रों में भूमि कठोर होती है, जिस कारण नलकूप लगाना कठिन होता है। नेक्स्ट, आर्थिक व्यय भी अधिक होता है। भूमिगत जल बहुत नीचे होता है, जिसे ड्रिल करना बहुत ही कठिन होता है। नेक्स्ट, नदियां मौसमी हैं, जिसके कारण सालों भर जल की प्राप्ति नहीं हो सकती है
नेक्स्ट, नहरों का निर्माण कम हुआ है, नहरों का निर्माण कम हुआ है। पठारी भूमि होने के कारण नहर निकालना कठिन होता है। पठारी भूमि होने के कारण नहर निकालना कठिन होता है। नेक्स्ट, अन्य साधन, इन साधनों के अलावे अन्य साधन, इन साधनों के अलावे कुछ गौण साधन भी है, जैसे पाइन, 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 राहट, जो पुरानी पद्धति के द्वारा, जो पुरानी पद्धति के द्वारा सिंचाई करता है, हाँ, वर्तमान में स्प्रिंकलर, इसको टपक भी कहते हैं, टपक सिंचाई या फव्वारा, वारा या स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर, पद्धति के द्वारा भी सिंचाई कार्य किए जा रहे हैं। विशेषकर राजस्थान एवं पंजाब में, विशेषकर राजस्थान एवं पंजाब में। प्राचीन भारत के सिंचाई साधनों को निम्न मानचित्र पर, निम्न मानचित्र के द्वारा भी, निम्न मानचित्र के द्वारा भी स्पष्ट किया गया है, किया गया है। मानचित्र बना लेंगे कल वाला, ठीक है, कोई दिक्कत? आप चलिए, पहले हम छोटा छोटा चीज पढ़ा देते हैं, जितना छोटा पार्ट चैप्टर है उसको पढ़ा लेते हैं, और तब तक बजट आ जाएगा 1 तारीख को, तब एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को पढ़ाएंगे, क्योंकि इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री जो है आपका, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर सबसे बड़ा चैप्टर है, इसी से क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना ही होती है, ये दोनों से कभी ना कभी क्वेश्चन आएगा ही, हर साल एक क्वेश्चन आता ही है जोड़ करके, तो उसको जो आंकड़ा आ जाएगा तो बेहतर हो जाएगा, अभी जो पढ़ाएंगे उसको तो पुराने आंकड़ा लिखाएंगे, इससे अच्छा कि हम फरवरी के प्रथम वीक से शुरू करेंगे, तब तक छोटा छोटा जो चैप्टर है जहां आंकड़े की आवश्यकता नहीं है, पुराने आंकड़ों की आवश्यकता है, जैसे अभी जनसंख्या हम बताएंगे तो इसमें नए आंकड़े की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 2011 का सेंसस इसमें पढ़ाया जाएगा, 2021 का भी नया नहीं, तो इसलिए इसमें पुराने आंकड़े की आवश्यकता है, इसलिए हम आज पॉपुलेशन पढ़ा रहे हैं, सिंचाई।